स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की उपस्थिति में जिला चिकित्सालय रायसेन में कोविड 19 के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के परिचालन की तत्परता सुनिश्चित करने हेतु मॉकड्रिल किया गया। इसके साथ ही जिला अस्पताल के उन्नयन कार्य का लोकार्पण किया गया, जिसके जरिए शहर वासियों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा जिला अस्पताल में आयोजित लाखों रुपए की लागत से जिला अस्पताल का 200 बिस्तर से 350 बिस्तरीय भवन के उन्नयन कार्य का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखकर सुविधाओं की मॉकड्रिल भी की गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने मॉकड्रिल के दौरान कोविड आईसीयू में कोविड संक्रमित मरीज के उपचार की प्रक्रिया को देखा तथा सीएमएचओ और सिविल सर्जन से कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु सुविधाएं व्यवस्थाओं की जानकारी ली। नहीं, मध्य प्रदेश में आज सभी हमारे अस्पताल में 10 और 11 तारीख को हम लोगों ने विभाग से पूरे निर्देश भी जारी किए थे। जो अस्पताल हैं उन पर पूरा मॉकड्रिल किया जा रहा है। जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको हम लोग पूरा जांच पड़ताल करके उसको पूरा सक्रिय, ऑक्सीजन की उपलब्धता, ऑक्सीजन बेड की, आईसीयू बेड की, दवाइयों की उपलब्धता, ऑक्सीजन के प्लांट हैं, प्रशिक्षित जो अमला है, उस सारे मॉकड्रिल पूरे प्रदेश के अस्पतालों में कर रहे हैं। मैं तो नागरिकों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि व्यवस्थाएं हमारी पूरी हैं सरकार की, लेकिन सब लोग सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें। अभी ऐसी कोई घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है और ना चिंता की बात है। आज मध्य प्रदेश में मात्र 174 केस हैं और आज भी 17 आज पॉजिटिव आए हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को सतर्कता और सावधानी बरतना है। इसीलिए तो मैं नागरिकों से अनुरोध कर रहा हूँ कि सब लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, सावधानी बरतें, सतर्कता रखें। बाकी सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारी है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीणा, कलेक्टर अरविंद दुबे, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजू भदौरिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, रायसेन।